तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। और तुम देख सकते हो लियोना की अभी जो CP है वो 1,03,000 है, 1,03,000 समथिंग। और देखते हैं कि ट्रांसेंड के बाद कितनी CP और बढ़ जाती है। बेसिकली ये मेरा फर्स्ट ट्रांसेंड है, वो भी 6-star कार्ड के ऊपर, तो एक्सपेक्टेशंस भी हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि कितनी CP बढ़ेगी क्या कुछ। देखो मुझे बेसिकली ये कि CP भी बढ़े और हमारा डैमेज भी बढ़ जाए। और तुम देख सकते हो कि हमें जो इफ़ेक्ट मिला है वो डिक्रीज डैमेज रिसीव है, बट ये अच्छा है क्योंकि ये एटलीस्ट अभी सही है। मतलब ये डिफेंसिव यूनिट के लिए तो फिर ठीक है चलेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हमें अटैक दे या फिर हमें अच्छा शुरू में जो है ना तुम्हें मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा लगता है इसके अंदर। लेकिन एक दफ़ा अगर तुम 6-star ट्रांसेंड के ऊपर पहुंच जाओगे ना उसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कार्ड चाहिए होगा। देखो ट्रांसेंड एक ऐसी चीज़ है कि मैं यही रिकमेंड करूँगा अगर तुम्हारे पास ज़्यादा 6-star कार्ड्स हैं ना तब जाके ट्रांसेंड करो, अदरवाइज़ ट्रांसेंड बिल्कुल भी मत करो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसा कि तुम देख सकते हो अभी, तुम और देख लोगे इस पूरी वीडियो में कि हमारे कितने कार्ड्स लगने वाले हैं। अभी मुझे ख़ुद भी आइडिया नहीं है कि टोटल कितने कार्ड्स लगेंगे। अभी मेरे पास काफ़ी ऐसे कार्ड्स हैं, मैंने कुछ सेव करके रखे हुए हैं, तो देखते हैं हमें कोई अच्छा स्किल मिल जाए। अच्छा तुम्हें अगर कोई अच्छा स्किल नहीं मिलता तुम जो प्रीवियस स्किल है ना उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब हर बार तुम्हें एक नया स्किल मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें वो स्किल नहीं समझ में आता जो नया स्किल है तो तुम प्रीवियस स्किल को सिलेक्ट कर सकते हो। देखते हैं कि इस बार हमें क्या स्किल मिलता है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, ऑल दो इनमें से हो सकता है कुछ काम के कार्ड्स भी हों तो सारे कार्ड्स नहीं लगाएंगे, लेकिन देखते हैं। अभी ये हमारा 3rd कार्ड है और इस पर क्या, ओ व्हाट, तुम देख सकते हो ये ग्लिच है, ये क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन यार नेट ये गलत है। दोनों हमें स्किल सेम मिले हैं, एक तो वैसे ही इतना RNG बेस्ड है, इतना रैंडम है, उसके बाद ये चीज़। अब तुम देख रहे हो पहले जो इफ़ेक्ट मिला था एग्जैक्ट वही इफ़ेक्ट दोबारा इन्होंने दे दिया। यार ये जो चीज़ है ना वैसे बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन ठीक है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि यार ये ट्रांसेंड का जो पूरा प्रोसीजर है ना, एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सबसे पहला, दूसरी चीज़ ये है कि मैं तभी रिकमेंड करूँगा जब तुम्हारे पास काफ़ी सारे कार्ड्स हों। और ट्रांसेंड के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि तुम कौन से कार्ड को ट्रांसेंड कर रहे हो। मतलब तुम किसी भी अगर 6-star कार्ड को ट्रांसेंड कर रहे हो, स्पेशली अगर पूरे कंप्लीट सेट को ट्रांसेंड कर रहे हो, तो ऐसे किसी सेट को ट्रांसेंड करो जो तुम मल्टीपल करेक्टर्स पे दे सको। अब जैसे ऐसे शिदुरू, ये जो शिदुरू सेट है बेसिकली, अच्छा ये सेट जो है ना हमें तब मिला था जब SS शिदुरू आई थी, इस बार इन्होंने नहीं दिया ये सेट, लेकिन हो सकता जब EX क्यो आए तो हो सकता उस टाइम पे रश डंजन के अंदर ये सेट मिले। अगर ये सेट मिलता है तो मैं कहूँगा इसके लिए ज़रूर फार्म करना ये सेट, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। और देखो इस सेट की सबसे अच्छी चीज़ ये कि तुम किसी भी डिफेंसिव यूनिट को दे सकते हो। लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा, मतलब जो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी चनली के ऊपर, जो उसका डैमेज था उसके ऊपर, कि ये सेट एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है डिफेंसिव यूनिट्स के लिए। तो तुम इसे किसी को भी दे सकते हो, जैसे अभी मैंने BS लियोना को दिया हुआ है, मैं इसे चनली को भी दे सकता हूँ जो नॉस्टैल्जिया वर्जन है वो भी डिफेंसिव यूनिट है, या फिर M बाइजन वो भी डिफेंसिव है। तो अभी हमने एक को ट्रांसेंड कर दिया 5-star तक और CP सिर्फ 1,000 बढ़ी है यार। चलो ठीक है, वैसे ये जो CP बढ़ी है ना, ये CP हमारी बढ़ी है सिर्फ ट्रांसेंड करने के ऊपर, जो मतलब हमारा अटैक या जितना भी स्टैक्स बढ़ा है ना उसके ऊपर मिली है, मतलब हमें इफ़ेक्ट के ऊपर नहीं मिली, क्योंकि हमें जो इफ़ेक्ट मिला है ना वो ज़्यादा कुछ ख़ास काम का है नहीं कार्ड नंबर 1 में। अब कार्ड नंबर 2 में देख लेते हैं कि कैसा हमारा लक रहता है, कौन सा हमें इफ़ेक्ट मिलता है कौन सा नहीं मिलता। तो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि जिस भी सेट को तुम ट्रांसेंड करो ना, हमेशा याद रखना कि वो सेट ऐसा होना चाहिए जो मल्टीपल करेक्टर्स पे तुम यूज़ कर सको। देखो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज़ तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारी चॉइस है,
अगर किसी स्पेसिफिक सेट को भी ट्रांसेंड कर रहे हो वो भी तुम्हारे ऊपर है। जैसे अभी हमें जो सेट मिला है स्ट्रीट फाइटर कोलैब में, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन कोलैब फाइटर्स पे ही यूज़ होगा। इंक्रीज डिफेंस टाइप फाइटर अटैक, ये बहुत अच्छा है, ये इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं इसी इफ़ेक्ट को रखूँगा लास्ट तक। अगर हमें क्रिटिकल रेट या क्रिटिकल डैमेज मिल जाता है तो फिर मैं चेंज कर लूँगा डिफेंसिव यूनिट पे, अदरवाइज़ ये इफ़ेक्ट बहुत सही है। क्योंकि देखो ये सॉलिड अटैक दे रहा है तुम्हें, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा अगर तुम इफ़ेक्ट में जा रहे हो। अगर तुम मतलब मुझसे पूछते हो कि इफ़ेक्ट में कौन सा सबसे बेस्ट है, अगर तुम्हें CP चाहिए स्पेसिफिकली तो फिर क्रिटिकल रेट के ऊपर जाना, क्रिटिकल रेट मिले तुम्हें। अगर तुम्हें CP चाहिए, क्रिटिकल रेट नहीं मिलता तुम्हें, अगर मान के चलो क्रिटिकल डैमेज मिल जाता तो वो भी ठीक है। और अगर तुम्हें अटैक चाहिए ना, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि या तो पेनिट्रेशन पे चले जाओ या सॉलिड अटैक पे चले जाओ, मतलब पेनिट्रेशन भी ठीक है। तो अभी हमें सॉलिड अटैक मिला हुआ है जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, तो सॉलिड अटैक पे ही रहते हैं और देखते हैं कि आगे अगर कोई और अच्छा इफ़ेक्ट मिल गया तो ठीक है उस पर स्विच कर लेंगे, अदरवाइज़ इसी को हम जो है वो 6 स्टार तक ट्रांसेंड कर देंगे। तो बेसिकली मैं यही कह रहा था कि इस चीज़ को जो है ना हमेशा जहन में रखना कि जो भी तुम मतलब ट्रांसेंड करते हो सेट, वो सेट ऐसा होना चाहिए कि तुम आगे भी किसी को दे सको। देखो अगर मैं बात करूँ स्ट्रीट फाइटर कोलैब के जो सेट है, तो वो सेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी तो दे दोगे अकूमा को, एम बाइजन को या फिर चंडी को, वो किसी भी फाइटर पे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक टाइम पे वो सेट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। देखो उसका सिंपल रीज़न यही है कि अब नए करेक्टर्स आते चले जाएंगे, जैसे तुम्हें अब EX क्यों देखने को मिलेगा, फिर और नए करेक्टर्स आएंगे, लेकिन जो कोलैब करेक्टर्स होते हैं ना, जैसे अब तुम पुराने कोलैब टेकन कोलैब की बात करो या फिर तुम 7 Deadly Sins की बात करो, जितने ही पुराने कोलैब करेक्टर्स हैं वो आज के टाइम पे बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता कि किसी भी ऐसे सेट को ट्रांसेंड करो जो कोलैब करेक्टर्स के लिए है स्पेसिफिकली। अदरवाइज देखो ये सेट जो है ना ये काफ़ी टाइम तक चल सकता है, क्योंकि ये तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि तुम SS फाइटर्स पे यूज़ करोगे या तुम BS फाइटर्स पे यूज़ करोगे या तुम कोलैब फाइटर्स पे यूज़ करोगे, तुम फेस फाइटर पे भी यूज़ कर सकते हो, इवन तुम गोल्ड बॉर्डर करेक्टर्स पे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें कोई मिशन करना है एपिक क्वेस्ट के अंदर जो गोल्ड बॉर्डर या सिल्वर बॉर्डर या इवन ब्रॉन्ज बॉर्डर के लिए यूज़ करना है ना, तब भी तुम ये यूज़ कर सकते हो, तुम्हें CP भी देगा, तुम्हें डैमेज भी अच्छा मिलेगा। तो इस वजह से मैं इसको सेट को ट्रांसेंड कर रहा हूँ। तुम देख सकते हो इसे भी हमने 5 स्टार तक ट्रांसेंड कर लिया है, जस्ट 5 स्टार तक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड के ऊपर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि हमें उस पर क्या इफ़ेक्ट मिलता है, लास्ट में 6 स्टार तक करते हैं। टोटल इस वीडियो में मेरे जहन में है कि हम 18 कार्ड्स तक जो है ना लगा के देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये वीडियो देखो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अगर मैं तुम देख सकते हो कि अभी टोटल कितनी CP बढ़ी है, 1,07,000 हो गई। अच्छा इसमें हमें CP थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है, उसका रीज़न ये है कि इसमें हमें सॉलिड अटैक मिला है, और अगर तुम्हें सॉलिड अटैक मिलता है ना तो उससे CP ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो तुम्हें डायरेक्ट अटैक में जो है ना वो बढ़ेगा, मतलब जो तुम्हारी ओवरऑल कॉम्बैट पावर है ना वो बढ़ेगी। अब ये लास्ट कार्ड है, देखते हैं कि इस पे हमें क्या मिलता है इफ़ेक्ट। आई विश कि यार क्रिटिकल रेट मिल जाए। देखो मुझे पर्सनली क्रिटिकल रेट चाहिए इन तीनों कार्ड्स के ऊपर, उसका सिंपल रीज़न ये है कि क्रिटिकल रेट जो है ना CP बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और आज के टाइम पे या आगे आने वाले टाइम में है ना, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, नेट मार्बल वालों की जो स्ट्रेटजी रहेगी ना वो यही रहेगी कि क्रिटिकल रेट लोग लें या क्रिटिकल रेट इवन नहीं भी लें ना, तब भी ये कि CP रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। अब जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ बढ़ी हैं, हॉल्स ऑफ एलिमेंट की अगर तुम बात करो उसमें डिफ़िकल्टीज़ बढ़ी हैं, तो उसमें भी यही है कि अब तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा CP चाहिए। इवन अभी जो कोलैब हमारा गया है स्ट्रीट फाइटर का, उसमें भी तुमने नोट किया कि जो टावर डंजन था उसमें अब 99,000 CP का रिक्वायरमेंट था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो है ना CP रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तो तुम देखो कर लोगे लेकिन आगे चल के तुम्हें डिफ़िकल्टी होगी। इस वजह से मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हो सके तो CP पे भी फोकस करना।
अटैक की जहाँ तक बात है ना, नए करेक्टर्स आएंगे और उनका डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन जो कार्ड्स हैं अगर तुम उनमें सीपी की तरफ जाते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं इसे यही रिकमेंड करूँगा इसमें, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है, देख लेना यार। अभी तक वैसे क्रिटिकल रेट मिला नहीं है तो सच बताऊँ मुझे अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। अच्छा, जो कार्ड तुम ट्रांसेंड के लिए यूज़ कर रहे हो ना, मतलब जो कार्ड तुम यूज़ कर रहे हो ट्रांसेंड करने के लिए, वो कार्ड भी देखना कि बिल्कुल भी यूज़फुल ना हो, बिल्कुल बेकार हो। अभी तक तुमने नोट किया हो जितने ही मैंने कार्ड्स यूज़ किए हैं वो सभी के सभी यूज़लेस थे, तो इस वजह से कोई मतलब मसले की बात नहीं है हमें। वो बिल्कुल भी मैं कार्ड यूज़ नहीं करता, इसी वजह से मैंने उन्हें लेवल अप भी करके नहीं रखा हुआ। तो हमेशा ये दो चार चीज़ें जो है ना वो अपने जहन में ज़रूर रखना ट्रांसेंड के टाइम पे, कि जो कार्ड तुम यूज़ कर रहे हो वो SS वाला कार्ड ना हो या BS वाला कार्ड ना हो, मतलब स्पेशल कार्ड ना हो, ठीक है ना, कोई 3PG ना हो, कोई भी SS फाइटर का या BS फाइटर का या कोई भी ऐसे फाइटर का जो तुम्हें मतलब हो कि यार ये यूज़ में आ सकता है। अदरवाइज़ जो हमारे इन गेम कार्ड्स हैं ना उनका इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो तुम कभी भी जो है ना दोबारा से यूज़ हासिल कर सकते हो, मतलब तुम्हें कभी भी दोबारा से मिल सकते हैं, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और जो एपिक क्वेस्ट पे मिलते हैं ना, एपिक क्वेस्ट पे, अच्छा ये चीज़ हमेशा जहन में रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना अपने जहन से। एपिक क्वेस्ट में भी हमें कुछ 6-star कार्ड्स मिलते हैं, ऑप्शन कार्ड्स, जिसमें एक जो है मैक्सिमा ऑप्शन कार्ड है, एक जो है हमें 0 का ऑप्शन कार्ड मिलता है, एक हमें इग्निट्स का ऑप्शन कार्ड मिलता है। उन कार्ड्स को कभी भी ट्रांसेंड के लिए यूज़ मत करना, मतलब उन कार्ड्स को वेस्ट मत करना ट्रांसेंड के ऊपर, कि तुम सोचो कि यार ये कार्ड ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे नहीं रहे हैं तो ठीक है इनसे ट्रांसेंड कर दो। देखो कभी भी याद रखना, एक दफ़ा मैंने ऐसा सोचा था, मतलब मैं तुम्हें मज़े की बात बताऊं एक दफ़ा मैंने वाकई ऐसा सोचा था कि जो मैक्सिमम कूलडाउन कार्ड है एपिक क्वेस्ट से जो मिला है वो वाला, तो मैं सोच रहा था कि उसे ट्रांसेंड के लिए यूज़ कर लूँगा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा तो है नहीं। मुझे बाद में पता चला कि वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, अगर वो तुम्हारे पास नहीं होगा ना तुम एपिक क्वेस्ट में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब तुम्हें कुछ स्टेज ऐसे आते हैं कि वहाँ तुम्हें लाजमी उस कार्ड को यूज़ करना है, अगर तुम यूज़ नहीं करते ना तुम डैमेज नहीं कर पाओगे, तुम स्टेज में आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो अगर तुमने ऐसी कोई गलती कर दी ना, यकीन जानो तुम्हें गेम को फिर से डिलीट करना पड़ेगा और दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि उन कार्ड को यूज़ कर ले, क्योंकि ना वो कार्ड तुम्हें शॉप में कहीं मिलेंगे, ना उनका कोई बैनर आएगा और ना ही कोई और चांस है। मतलब ये कि एक दफ़ा वो कार्ड गए ना तो बस फिर गए, अगर तुमने सारे कार्ड गवा दिए। तो हमने अभी 5-5 star तक जो है ना ट्रांसेंड कर दिया, टोटल हमारी जो CP बढ़ी है ज़्यादा नहीं बढ़ी यार, बहुत कम बढ़ी है, मतलब कितनी होगी है 5-6 हज़ार CP बढ़ी है। खैर अब जो लास्ट वाला 6-star कार्ड जो है ना कर देते हैं, टोटल 6-star तक ट्रांसेंड कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हमें लास्ट जो है वो क्या क्या इफेक्ट मिला है डिफेंस टाइप फाइटर को। नहीं यार, मतलब वो पहले वाला ही सही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि हमें ना क्रिटिकल रेट मिला, यार सच बताऊँ तो ये बहुत बुरा हुआ कि हमें कोई ख़ास जो है ना वो इफ़ेक्ट नहीं मिला, लेकिन देखते हैं, ठीक है, हो सकता इस कार्ड पे मिल जाए, हो सकता आई विश तो वैसे हम हर दफ़े ही करते हैं लेकिन कुछ ख़ास होता नहीं है नहीं, ये भी बेकार, कुछ ख़ास काम का नहीं है ये यार इफ़ेक्ट, कोई सा भी हमें ख़ास काम का नहीं मिल रहा। डिफेंस टाइप फाइटर पॉइजन डैमेज, ठीक है। अच्छा ये इससे बेहतर है, अगर तुम देखो वो डिक्रीज़ है या इंक्रीज़ है। अच्छा इंक्रीज़ का मतलब ये है कि तुम डैमेज करोगे, और डिक्रीज़ का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई डैमेज देता है तो उससे ही जो है ना तुम्हें बचाएगा, मतलब एक तरह से डिफेंसिव इफेक्ट था और ये जो है तुम्हारे अटैक में बढ़ाएगा। मतलब ये वैसे चंदी के लिए ठीक है इफेक्ट, BS लियोना के लिए नहीं, लेकिन मैं ऐसे इफेक्ट चाह रहा हूँ जो मैं किसी भी डिफेंसिव यूनिट को दे सकूँ। मतलब मैं स्पेसिफिकली चंदी के लिए नहीं ये सेट को नहीं तैयार कर रहा हूँ, मैं
मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी डिफेंसिव यूनिट हो ना तो उसको हम दे सकें। लेट्स सी, ये लास्ट कार्ड है, देखते हैं इसको भी ट्रांसेंड कर देते हैं कंप्लीट, फिर देखते हैं कि हमें टोटल कितनी सीपी बढ़ी और क्या क्या इफ़ेक्ट्स मिले। लेट्स फाइंड आउट गाइस। वैसे ट्रांसेंड का भी यार अपना ही अलग मज़ा है, मतलब ट्रांसेंड मेरे लिए ऐसा है कि इतने टाइम तक मेहनत की, इतने महीने जमा किए कार्ड्स, अब फाइनल रिजल्ट है कि हम ट्रांसेंड कर रहे हैं। क्योंकि वाकई यार ये बहुत मुश्किल है ट्रांसेंड करना, मतलब एक तो इतने सारे कार्ड्स होने चाहिए तुम्हारे पास ताकि तुम्हें अच्छे से अच्छा इफ़ेक्ट मिल सके, टफ है यार। और सिक्स स्टार कार्ड्स वाकई बहुत मुश्किल से मिलते हैं यार, मतलब इन्हें कोई ऐसा गेम मोड ऐड करना चाहिए जहाँ हमें सिक्स स्टार कार्ड्स जो है ना वो हम ईजीली फार्म कर सकें, मतलब इतना ज़्यादा टफ ना हो। ठीक है बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं हो लेकिन इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होना चाहिए। अब तुम देख सकते हो कितना मुश्किल होता है। और तुम बताओ कि तुमने अभी तक कौन कौन से सेट्स जो है वो ट्रांसेंड किए हैं। मेरा तो ये पहला सेट है जो मैं ट्रांसेंड कर रहा हूँ। फाइनली पूरी तरह से ट्रांसेंड हो चुका है, अब देखते हैं कि सीपी हमें कितनी मिली है। और देखो मैं इन शॉर्ट तुम्हें बता देता हूँ, एक कार्ड पे हमें जो है वो मिला है अटैक, मिला है सॉलिड अटैक मिला है। एक कार्ड पे हमें मिला है पॉइजन डैमेज और एक कार्ड पे हमें चिल डैमेज मिला है। आई थिंक जहाँ तक मुझे जहन में आ रहा है टोटल इस तरह से इफ़ेक्ट मिले हैं, मतलब ये कि बेस्ट इफ़ेक्ट तो नहीं है लेकिन इतने ज़्यादा बेकार भी नहीं है देखा जाए तो। जिस पे सॉलिड अटैक मिला है ना वो बहुत सही है, बाकी एक कार्ड को लेके मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा वाला डैमेज मिला है। अगर तुमने नोट किया हो तो तुम्हें याद होगा कि कौन सा इफ़ेक्ट मिला है हमें, लेकिन जो सॉलिड अटैक मिला है ना वो बहुत सही है। तो अब सीपी देखते हैं कि टोटल सीपी कितनी हो गई है। सीपी हमारी हुई है 1,10,000, पहले थी 1,03,000, तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 7,000 और समथिंग कुछ जो है ना वो बढ़ी है सीपी। ठीक है सही है, नॉट बैड। अब ये है कि आगे हम और ट्रांसेंड करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना, अभी फ़िलहाल यहीं तक रोकते हैं। और मैं यही कहूँगा यार देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक करो, और हमें इसका रिजल्ट भी देखना है कि क्या डैमेज निकल कर आता है, डैमेज कितना ज़्यादा ओपी होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स गुड बाय।